चैनल देखने वाले साथी मैं धन्यवाद करता हाँ जी। पंजाब के मुलाजम ड्यूटी के मुलाजम पेंशन मुलाजम बारे पूरी जान के दसांगे जी। पंजाब सरकार की कैन मीटिंग चंडीगढ़ के अज हो रही है, उस बारे भी सारी जानकारी देवांगे जी। हुण मेरी बेनती आ सबसक्राइब करो जी, रैड बटन दबा के बैल आइकन दबा के पंजाब सरकार की कैन मीटिंग चंडीगढ़ हो रही है, जिस मुलाजम मंगा पूरियां हो सकदियां हन। जो मुख मंग है पुरानी पेंशन लागू करना, पंजाब सरकार के मुलाजम का कट्टिया गया पेंडू भत्ता बहाल करना, फैक्टर 272/99, 3/6 ये मुख मंग हैं जी। अज जो पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उस मंगा ये मनिया जा सकदियां हैं जी। पी एस पी सी एल की मैनेजमेंट नाल पी एस ई बी इंपलाई ज्वाइंट फॉरम की मीटिंग अज पटियाले हो रही है, जिस दे विच जो पी एस पी सी एल के मुलाजम मुख मंग है कि जो साडा पेंडू भत्ता किया गया है वह बहाल किया जाए। 1700 पोस्टा दे जो कट लाया गया है उसनू बहाल किया जाए। इस तरह ही डी टी एफ यूनियन की मीटिंग 9 जून को सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेरा नाल हो रही है, उस दे विच हो सकदा अध्यापकों दीआं मुख मंगा मनिया जा सकदियां हन जी। पंजाब दे मुलाजम ड्यूटी दे मुलाजम पेंशन मुलाजम वल्लों जो सांझा फ्रंट बनाया गया है, सांझे फ्रंट दे आगूआं दी मीटिंग वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा नाल चंडीगढ़ दे विच 9 जून होवेगी, जिस दे विच मुलाजम दी मुख मंग है कि पुरानी पेंशन नूं लागू कीती जावे। पंजाब सरकार दा मुलाजमां दा कट्टिया गया पेंडू भत्ता बहाल किया जाए। आशा वर्करां दा 2500 रुपया माण भत्ता जो कट्टिया गया है उसनू बहाल किया जाए। पंजाब सरकार दे महकमे विच 20-20 साल तो काम करदे कर्मचारी जो कच्चे हैं उन्होंने रैगूलर किया जाए। पंजाब सरकार ने जो कहा सी भी 33,000 पोस्टां असीं जल्दी रैगूलर करांगे ते उह कच्चे मुलाजमां नूं छेती रैगूलर किया जाए, अते 25,000 पोस्टां जो भरनियां हन उह जल्दी भरियां जाण जी। धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल सबसक्राइब करो जी।